हेलो, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्रीपोसी गोरुमई सैनी रेलवे लाइन के एक पॉसिबल अलाइनमेंट के बारे में। तो बहुत दिन पहले, लगभग 1 महीना हो गया है, रेलवे प्रोजेक्ट्स इन मिनरल बेल्ट इसके ऊपर एक आया था डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, जहाँ पे हमारे जो दो प्रोजेक्ट्स थे, बादाम पहाड़ क्योंझर और बांग्रीपोसी गोरुमई सैनी, उनका जिक्र था। ठीक है, उनको यहाँ पे मेंशन किया गया था एज मिनरल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स न्यू लाइंस। सो वहीं पे ही बांग्रीपोसी गोरुमई सैनी को एक अलाइनमेंट मैप शो किया गया था, जो कि मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक्चुअली पहले ही मेरे पास था, लेकिन इन्फॉर्म करना भूल गया था इसके बारे में, इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ लेट में। ये जो अलाइनमेंट है, ये 62 किलोमीटर्स का लेंथ है इसका, तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये बहुत घूम के जा रहा है, इसलिए 62 किलोमीटर्स का है, वरना तो ये 42 किलोमीटर्स का था पहले। सो ये जो निकल रहा है, पहले बांग्रीपोसी से जो तालबन तक लाइन थी, कुछ लोगों को याद होगा, पुरानी नैरोगेज की लाइन थी, उसी अलाइनमेंट में लगभग आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सारीपदा, फिर आगे जाके थोड़ा टर्न लेके यू टर्न ले रहा है, और यू टर्न लेके वो साल घाटी, माझीगांव होके बांग्रीपोसी के पास सिमलीपाल का एक बफर जोन आता है। बफर जोन है तो क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ को डायरेक्ट क्रॉस करें या कैसे क्रॉस करें, ये बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ग्रेडियंट है, इसीलिए ट्रैक को बहुत ज़्यादा घुमा के लिया जा रहा है, और जिस जगह पे क्रॉस करना पॉसिबल है उसी जगह पे क्रॉस किया जा रहा है, जिसमें थोड़ा बीच में खाली जगह हो, ऐसी जगह पे क्रॉस किया जा रहा है। ठीक है, माखुणा, नंगल, कोटा पोखरिया, पानपोसी, करंजई, आम्बोलडिया, रेहड़कचा, फिर नौधाबणी होकर गोरुमई सैनी में जाके लाइन मिल जाएगी। ये एक पॉसिबल अलाइनमेंट है, और ये मैं बता नहीं सकता कि ये फाइनल में होगा या नहीं होगा। और बाकी बात करें बादाम पहाड़ केवंझर बूढ़ामारा चाकुलिया और ये मिलके तीन प्रोजेक्ट्स जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत, ये प्रोजेक्ट्स हिंट्स मिल रहे हैं कि तीनों ही प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी जाएगी, और बहुत जल्दी इनका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा जाएगा। ऐसे बहुत पॉजिटिव हिंट्स मिल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉन्फिडेंस तो है इस बार, 100% तो फिर भी नहीं बोल सकते। सो ये कुछ था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।